Good morning, dear students. Let's discuss about pair of words. page number sixty seven from Freshway English Grammar Book. Let's start. Some words have the same pronunciation but different spellings and meanings. Here is a list of some such words. सो so, देखो बेटा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको बोलने का तरीका एक जैसा होता है लेकिन उनके स्पेलिंग्स और उनके मतलब अलग अलग होते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल ये देखिए ब्रेक एंड ब्रेक ये दो वर्ड्स हैं ब्रेक एंड ब्रेक सो इसमें स्पेलिंग देखो बी आर ई ए के ब्रेक है ना और इसमें स्पेलिंग देखो बी आर ए के ई ब्रेक अलग अलग स्पेलिंग्स हैं लेकिन दोनों को मैं कैसे बोल रही हूँ ब्रेक ब्रेक है ना आप लोग भी इसको डेली रूटीन में यूज़ करते हैं इन वर्ड्स को लेकिन हमें पता नहीं होता है तो अब देखते हैं कि इस ब्रेक का क्या मीनिंग है टू डिवाइड इंटू टू और मोर पार्ट्स किसी चीज़ को एक से दो ए दो या दो से अधिक हिस्सों में जब हम बांट देते हैं या तोड़ देते हैं उसको बोलते हैं ब्रेक कैन यू ब्रेक द स्टिक तोड़ना क्या तुम इस स्टिक को तोड़ सकते हो ब्रेक बी आर ए के ई ब्रेक मतलब किसी भी व्हीकल को जब हम चला रहे होते हैं और फिर ब्रेक लगाते हैं दैट्स कंट्रो दैट कंट्रोल्स द स्पीड ब्रेक वो होती है जो कि किसी भी वहीकल की किसी भी जैसे कार स्कूटर मोटरसाइकिल ट्रक किसी की भी स्पीड को कंट्रोल करते हैं उसको बोलते हैं ब्रेक द ड्राइवर अप्लाइड ब्रेक्स टू स्टॉप द कार को रोकने के लिए ड्राइवर ने ब्रेक लगाए देन बाय बी वाई बाय मतलब वेरी नियर कोई चीज़ हमारे बहुत ही पास होती है तो हम बोलते हैं वेरी नियर बाय मतलब वो मेरे घर के पास ही रहती है या मेरे घर के साथ ही रहती है तो हम क्या बोलेंगे शी लिव्स बाय माई हाउस दे लिव बाय द लेक वो लेक के साथ में साथ ही रहते हैं पास में ही रहते हैं बी बाय e ई बाय मतलब बाय सी यूट मोरो मतलब जब हम बाय बोलते हैं किसी को सी ऑफ करते हैं मिलने के बाद है ना तो उसको बोलते हैं सी यू टमोरो आर डियर लव्ड वन जो कि हमारे को कोई इंसान बड़ा प्यारा होता है या कोई एनिमल बड़ा प्यारा होता है तब भी हम डियर बोलते हैं तो शी इज अ डियर फ्रेंड डियर मतलब प्यारा लव्ड वन डी डब्ल आर डियर मतलब एन एनिमल एक एनिमल को कहते हैं जो कि हिरन होता है आई सॉ डियर एट अ जू जू में मैंने क्या देखा हिरन को देखा एट क्या है एक नंबर है जो आप मैथमेटिक्स में यूज करते हैं या और भी बहुत जगह पर देन टी ई एट मतलब पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ईट का पास्ट फॉर्म है एट आई एट ऑल द मैंगोज हेयर कम हेयर प्लीज़ यहाँ पर आओ एच ई आर ई हेयर मतलब कम हेयर जब हम किसी को कोई कमांड देते हैं कि तुम यहाँ पर आओ प्लीज़ लगा है तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि प्लीज़ तुम यहाँ पर आ जाओ एच ई ए आर हेयर मतलब कम कैन यू हेयर दैट साउंड क्या तुम वो आवाज़ सुन सकते हो सुन्ना हेयर हील हील मतलब जो हमारे पैर का पिछला हिस्सा होता है या जूते का पिछला हिस्सा उसको बोलते हैं हील आई हैव अ पेन इन माई हील मेरे हील में पेन है हील एच ई एल हील मतलब टू क्योर इट लुक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर द इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर द wound टू हील घाव को भरने में समय लगेगा हील एच ई ए एल हील भरना जब कोई चीज़ ठीक होती है कोई घाव ठीक होता है मेल यानि कि लेटर देन एम ए एल ई मेल यानि कि जो मैन को मैन को बोलते हैं मेल ठीक है मैन को क्या बोलते हैं मेल जैसे गर्ल को फीमेल बोलते हैं वैसे ही या फिर लेडी को फीमेल बोलते हैं वैसे ही मैन को मेल मीट एम डब्लू टी मीट यानी कि मिलना किसी से मिलने जाना मीट शी मीट मी इन द प्लीज़ मीट मी इन द evening मेरे से इवनिंग में मिलना एम ई ए टी मीट मतलब फ्लैश ऑफ एनिमल्स एनिमल्स की स्किन जो लोग कुक करके कुछ लोग खाते हैं नो no, मतलब कुछ भी नहीं कभी नहीं not एनी कोई भी चीज़ नहीं आई हैव नो मनी नॉट नॉट मतलब सॉरी नो के एन ओ के एन ओ डब्ल्ल्यू नो मतलब डू यू नो हिज एड्रेस क्या तुम्हें उसका एड्रेस पता है किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन होना किसी चीज़ के बारे में पता होना नो no. नॉट मतलब नहीं आई ही इज नॉट हंग्री वो हंग्री नहीं है नॉट मतलब गांठ आई ट्राइड आई टाइड नाट इन द रोप और जो रस्सी थी उसको उसके ऊपर मैंने गांठ बांध दी गांठ नॉट मतलब गांठ नेक्स्ट इज ऑफ ऑफ मतलब वॉट इज द नेम ऑफ दिस स्टेशन मतलब जब हम किसी चीज़ के बारे में बताते हैं तब हम ऑफ का प्रयोग करते हैं ठीक है किसी चीज़ के बारे में या फिर को वट हैज़ कोई चीज़ के के बारे में बताते हैं या फिर हम बताते हैं कि ओन समथिंग मतलब कोई चीज़ जिसके कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ जुड़ी हुई होती है तो हम ऑफ का प्रयोग करते हैं यानी कि जैसे जो स्टेशन है उसका क्या नाम है तो का का वर्ड जो है वो ऑफ होता है ठीक है ओ डबल एफ ऑफ मतलब डाउन और अवे फ्रॉम समथिंग द चाइल्ड फेल ऑफ़ द रूफ ऑफ मतलब गिर जाना जब जो बच्चा है वो छत से गिर गया ठीक है तो ऑफ़ देखिए देन शी इज ऑफ टू स्कूल मतलब वो जो है वो स्कूल जाने को तैयार है द गर्ल इज ऑफ टू स्कूल मतलब वो स्कूल की तरफ जा चुकी है ऑफ़ टू स्कूल डबल ऑफ ओ डबल एफ वाला ऑफ आएगा उसमें भी ठीक है देन पी ए आई एल पायल और पी ए एल ई पेल पायल मतलब बकेट पेल मतलब बकेट वैसे तो हम इसको पेल बोलते हैं लेकिन पाइल भी बोलते हैं तो आप इसको पेल ही बोलेंगे बकेट मतलब बाल्टी द बॉय वॉज कैरिंग अ पेल ऑफ वॉटर ठीक है तो एक बार आपने वो पोइम पढ़ी हुई है ना जैक एंड जिल वेंट अप दिल टू फैच अ पेल ऑफ वॉटर पेल ऑफ वॉटर मतलब बास्केट. जो जैक और जिल थे वो हिल पर गए क्या लेने के लिए पॉन्ड से वॉटर लेने के लिए पानी की बाल्टी लेने के लिए पी एल ई पेल ऑफ़ कलर मतलब जब एकदम चेहरा किसी का ढल जाता है बीमारी के कारण तो उसका चेहला चेहरा जो है वो पीला पड़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं पेल ही वॉज इल ही वॉज एल एंड लुक्ड पेल वो बीमार थी और पेल मतलब बिल्कुल पीली पड़ गया था उसका चेहरा पैर पी ए आई आर पैर मतलब सेट ऑफ टू वेर इज माई पैर ऑफ शूज पैर मतलब जब हम दो चीज़ें इकट्ठी होती हैं पैर ऑफ पेंसिल्स देखिए ये जो है ये पेयर ऑफ टू पेंसिल्स ठीक है हम लोग पहनते हैं ना शूज़ तो वो हमेशा क्या होते हैं पेयर ऑफ शूज़ होते हैं वेयर आर माई पेयर ऑफ़ शूज़ नहीं बोलेंगे हम ठीक है देखिए बेटा शूज़ का एक पेयर होता है दो मिला के क्या बनता है एक बनता है ना तो वेयर इज लगेगा वेयर आर माय पेयर ऑफ शूज नहीं लगेगा वेयर इज माय पेयर ऑफ शूज ठीक है तो ये कर सेंटेंस करेक्ट है देन पी ए आर ई पैर यानी कि काटना पैर योर नेल्स प्लीज आपको स्कूल में कहा जाता था ना जब असेंबली टाइम में कहते थे ना पैर योर नेल्स मतलब अपने नेल्स जो हैं उनको काट के आना कट योर नेल्स राइट करेक्ट हिज आंसर इज राइट मतलब एकदम सही जवाब है राइट यानी कि नोट डाउन कोई चीज़ को जब हम लिखते हैं सी देखना सी सॉल्टी वाटर दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ सी मतलब समुद्र सन मेल चाइल्ड बेटा सन सूर्य जो कि तेज चमकता है स्टील हार्ड आयरन स्टील के यूटेंसिल्स यूज करते हैं न किचन में सील ओ सॉरी स्टील एस टी ई एल स्टील क्या होता है सीक्रेटली टेक सम थिंग दैट इज़ नॉट यॉर्स कोई चीज़ चुराना जब जो कि आपकी नहीं है उस चीज़ को चुराना डोंट स्टील एनी किसी चीज़ को मत चुराओ स्टोरी एस टी ओ आर ई वाई स्टोरी मतलब फ्लोर ऑफ अ हाउस या फिर हमारे जो स्कूल है उसकी बिल्डिंग है ना उसमें कितने फ्लोर्स हैं वन टू थ्री फोर फ्लोर्स हैं तो हम क्या बोलेंगे फोर स्टोरी बिल्डिंग या फिर टू स्टोरी बिल्डिंग तो एस टी ओ आर ई वाई स्टोरी स्टोरी यानी कि कहानी टेल टी ए आई एल टेल एनिमल की जो बॉडी पे बॉडी का पार्ट होता है पीछे उसकी टेल होती है ना पूछ और टेल टी एल ई टेल मतलब स्टोरी ठीक है टेल यानी कि स्टोरी फेरी टेल स्टोरी देयर देयर आर ट्वेंटी बॉयज़ कितने बॉयज़ हैं ट्वेंटी बॉयज़ हैं ठीक है तो वहाँ पर खड़े हैं या वहाँ पर कौन है ट्वेंटी बॉयज़ हैं वहाँ उस जगह पर जब हम जगह के बारे में बताते हैं तो टी एच ई आर ई देयर यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ के बारे में या किसी इंसान के बारे में बताते हैं तब टी एच ई आई आर देयर देयर बैग्स आर लाइंग ऑन द फ्लोर उनके बैग्स जो हैं वो फ्लोर पर रखे हुए हैं कुछ इंसानों के बारे में बताते हैं तब हम टी एच ई आई आर देयर यूज़ करते हैं किसी जगह के बारे में बताते हैं तब हम टी एच ई आर देयर यूज करते हैं वीक यानी कि बहुत ही आ, मतलब वीक इंसान जिसको जिसमें ताकत नहीं होती नॉट स्ट्रोंग ठीक है देन वीक डब्ल्यू डब्ल्यू के वीक मतलब ऑफ सेवन डेज डब्ल्यू ई आई जी एच टी वेट यानी कि भार इन किसी इंसान का कितना भार है या किसी चीज़ में कितना भार है वो देखने के लिए हम वो वेइंग मशीन का यूज़ करते हैं ना वेट वेट देखने के लिए वेट डब्ल्यू ए आई टी वेट मतलब रुकना इन इं, इंतज़ार करना विच वन ऑफ मैनी मतलब बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ विच बुक इज़ योरस कौन सी बुक तुम्हारी है यहाँ पर बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं इनमें से कौन सी बुक तुम्हारी है विच यानी कि अ वुमेन हु यूज मैजिक टू डू बैड थिंग कोई ऐसी लेडी जो कि मैजिक करके बुरे काम करती है दिस इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड विच मतलब इसको हम चुड़ैल भी बोलते हैं है न पहले उसकी स्टोरीज हमने बहुत सुनी है कि वो वो झाड़ू पे बैठ के आती लाती है ना वो स्टोरी आपने सुनी होगी तो वो विच उसको बोलते हैं ठीक है तो ये जो हैं ये पेयर ऑफ वर्ड्स हैं और इनका जो बुक वर्क है देखिए ये है एक्सरसाइज फाइव फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स ये ब्रैकेट में आपको वर्ड्स दिए हुए हैं और ये आपने यहाँ पर करने हैं देखिए द सन राइज इन द ईस्ट दोनों सन में से कौन सा सन लगेगा सूरज वाला वी हैव हॉलीडेज फॉर अ वीक पूरे एक वीक के लिए हमारी हॉलीडेज हैं सेवन डेज के लिए शिलुक स्पेल वो बीमार लग रही है पी ए एल ई पेल पैर योर नेल्स अपने नेल्स काटिए योर आंसर इज राइट आर आई जी एच टी राइट दिस इज एन इंटरेस्टिंग टेल टी एल ई टेल मीट मी टू मोरो मेरे मुझे कल मिलना वेर और सॉरी देर आर मैनी फिशेज फिशेज के बारे में बता रहे हैं जगह के बारे में बता रहे हैं कि सी में फिशेज हैं तो जगह बताते हैं तो कौन सा देर आता है ई आर ई वाला देन पैर ऑफ वॉटर पेल ऑफ वॉटर देन पेल क्या बताया था बास्केट बाकेट सॉरी देन आई लाइक देम बट आई डोंट लाइक देर अंकल लोगों के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे कुछ कि मुझे उनके अंकल पसंद नहीं हैं तो टी एच ई आई आर देगा ठीक है सो so ये एक्सरसाइज थी पेयर ऑफ़ वर्ड्स की सो so ये आपने पेयर ऑफ़ वर्ड्स जो हैं अच्छे से सभी वर्ड्स को रीड करना है ओके और टाइम टू टाइम हम इसके टेस्ट लेंगे आपने अच्छे से इनके मीनिंग्स को लर्न करना है बेटा ठीक है इसको कॉपी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है सिर्फ़ बुक में से ही लर्न करना है और बुक वर्क करना है